नमस्कार, अजना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं उड़द दाल के पकोड़े की करी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उड़द दाल के पकोड़े की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसको मैंने अलग तरीके से बनाया है। इस तरह की करी आपने कभी नहीं खाई होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं उड़द दाल के पकौड़े की करी बनाना। उसके लिए मैंने एक कप उड़द दाल लिया है, उसको बारीक पीस लिया है और एक छोटा चम्मच उसमें नमक डालेंगे और एक हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती काट कर हम डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चौथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे और एक चौथाई चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। दो चुटकी हींग डालेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसको फेंटना है और इसको चेक करना है कि ये अच्छे से फेटा हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैंने कटोरी में पानी लिया है और ये देखिए ये ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारा पकौड़ा जो है अच्छे से करी के साथ फूलेगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में गरम तेल कर लिया है और इसको फ्राई करेंगे। छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकौड़े को तलना है। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से फ्राई होने चाहिए पकौड़े और ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अब हम इसको नॉर्मल पानी में डाल देंगे पकौड़ों को। पानी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और इसको हम ढककर रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे करी का। इसके लिए मैंने एक कप दही लिया है, उसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे और एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, फेंट लेना है कि दही में कहीं भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई लिया, उसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और थोड़ी सी हींग लिया है और एक छोटा चम्मच राई या सरसों लेंगे हम, और एक लाल मिर्च हम तोड़ के डाल देंगे और थोड़ी सी करी पत्ता। अब जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तब हम इसमें दही का मिक्स डालेंगे। और मिक्स को चलाते रहेंगे। इसको 5 मिनट तक भुनना है दही वाले पेस्ट को, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद फिर से इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे और इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, एक टेबल स्पून, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे देख रहे हैं पकौड़े जो है कितने फ्लफी फूल गए हैं अच्छे से। अब हम इसको करी में डाल देंगे पकौड़ों को। इस तरह से पकौड़ों को डाल देंगे। और हम पकौड़े वाला पानी भी इसमें करीब एक कप डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाते रहेंगे
5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे खौलाना है अच्छे से। आप देख रहे हैं पकौड़े जो है अच्छे से पूरा करी पी चुके हैं, और आप देख रहे हैं ये कितने फ्लफी बने हैं। इसको ऐसे तोड़ेंगे, कहीं भी गांठे नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये फूल चुके हैं। ये अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने करछी लिया है। उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा लेंगे और थोड़ी सी सरसों या राई आप डाल दें उसमें, और थोड़ी सी करी पत्ता भी डाल दें, और एक लाल मिर्च हम तोड़कर डाल देंगे, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद कश्मीरी मिर्च डालेंगे और फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। अब ये तैयार हो चुका है, करी हमारी तैयार है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।